अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन मैन हु प्लांटेड ट्रीज, वो शख्स जो दरख्त उगाता था। और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या है। पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट डज जीन गियानो से अबाउट हिज लॉन्ग ट्रिप ऑन फुट ओवर माउंटेन हाइट्स। कि जो जीन गियानो है, जिन जो हमारे ये राइटर हैं, मतलब जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, वो क्या बताते हैं अपने उस लंबे ट्रिप के बारे में जो इन्होंने ऑन फुट का मतलब होता है कि पैदल चलकर तय किया था माउंटेन हाइट्स, पहाड़ों के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे लेसन में पढ़ा है कि तकरीबन आज से इस लेसन में वो बता रहे हैं कि 40 साल पहले, 40 years ago, उन्होंने एक जो है पैदल अपना ट्रिप रखा कि माउंटेन हाइट्स पर, पहाड़ों की बुलंदी पर चढ़ने का, जो कि बिल्कुल ही टूरिस्ट के लिए, सियाहों के लिए अननोन जगह थी, मतलब उन्हें नहीं पता था उस जगह का। अब वो थोड़ा सा हमें उस जगह के बारे में भी बताते हैं कि वो एरिया बिल्कुल ही बंजर था और वहाँ पर कुछ भी उगा हुआ नहीं था। तो इसका आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है, आप लोगों ने लिखना है, जीन गियानो सेज दैट अबाउट 40 years ago ही वॉज ऑन अ लॉन्ग ट्रिप ऑन फुट ओवर माउंटेन्स हाइट। क्या कहते हैं कि 40 साल पहले एक लंबे ट्रिप पर गए जो कि पहाड़ों की ऊंचाई तक चढ़ना था पैदल, और दैट वॉज क्वाइट अननोन टू टूरिस्ट, जो कि सियाहों के लिए भी वो जो जगह है बिल्कुल ही वो उससे वाकिफ नहीं थे। द एरिया वॉज डेजर्टेड एंड बैरन, के वो जो एरिया था, वो जो इलाका था, बिल्कुल ही डेजर्ट होता है, सेहरा को कहते हैं, बैरन बंजर, मतलब सेहराई ज़मीन थी और बंजर इलाका था। नथिंग ग्रू देयर बट विल्ड लेवेंडर, वहाँ पर कुछ भी नहीं उगता था सिवाय जंगली जो झाड़ियाँ होती हैं ना, इसके अलावा वहाँ पर और कुछ भी उगा हुआ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टू, Where did जीन गियानो फाइंड हिमसेल्फ आफ्टर 3 days वॉकिंग। के क्योंकि उनका लॉन्ग टूर था, तो 3 दिन चलने के बाद उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया। तो फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद उन्होंने वो जो सेहरा था या बंजर ज़मीन थी उसके दरमियान में पाया अपने आप को, और उन्होंने देखा वहाँ पर के जो घर हैं वहाँ पर 5 से 6, उनकी छतें ही नहीं हैं, मतलब रूफलेस हैं, और अजीब सा, मतलब खंडरात में उन्होंने अपने आप को पाया। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है, आफ्टर 3 days वॉकिंग, 3 दिन चलने के बाद, जीन गियानो फाउंड हिमसेल्फ इन द मिड्स ऑफ द अनपैरेलल्ड डेजोलेशन। ये वो जो बिल्कुल ही बंजर ज़मीन है, तन्हाई वाली, उसके मिड में, दरमियान में अपने आप को पाया। There were 5 or 6 roofless houses. वहाँ पर तकरीबन 5 से 6 बग़ैर छतों वाले घर थे, एंड अ टिनी चैपल, और एक छोटा सा जो गिरजा घर होता है वो भी वहाँ पर था। The life had vanished. ज़िंदगी जो है वहाँ पर वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जो घर थे उनकी छतें नहीं थी, तो मतलब वहाँ पर कोई रहता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, What does गियानो say about the shepherd's living condition? कि गियानो जो हैं वो शेपर्ड की जो लिविंग कंडीशन है, उसकी मतलब जो रहने के जो हालात हैं वो क्या थे, किस तरह की लिविंग कंडीशंस थी उस चरवाहे की। क्योंकि ये आप जब 3 दिन चलने के बाद सेहरा में चले गए हैं, तो इनकी मुलाकात अब शेपर्ड से हुई है। तो उसके बारे में फ्रेंड्स, ये लेसन में हमें, जैसे हमने पढ़ा है कि शेपर्ड का जो हाउस है वो स्टोन से बना हुआ था, मज़बूत बना हुआ था, बड़े पत्थरों से। इसके अलावा शेफर्ड का घर साफ़ सुथरा था, उसकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हुई हुई थी, बर्तन वगैरह धुले हुए थे, मतलब इस तरह बड़ी अच्छी चीज़ें, उसकी हर चीज़ सेट थी वहाँ पर। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है उसकी लिविंग कंडीशन के बारे में, कि जीन गियानो सेज अबाउट द शेफर्ड्स लिविंग कंडीशन दैट, वो उनकी रहने के बारे में या तर्ज ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि ही लिव्ड इन अ रियल हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन्स, कि वो पत्थरों से बने हुए एक रियल यानी कि असली घर में रहते थे। द शेपर्ड्स रूफ वॉज स्ट्रॉन्ग एंड साउंड, शेपर्ड्स की जो घर की छत थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी और साउंड यानी कि आवाज़ वाली थी। द थिंग्स प्लेस वॉज इन ऑर्डर, वहाँ पर उनके घर में जो चीज़ें हैं वो तरतीब से पड़ी हुई थी। डिशेज़ वॉश्ड, उनके बर्तन धुले हुए थे उसके। द फ्लोर स्वेप्ट,
फर्श जो है वो गीला था, यानी कि वो वहाँ पर पोचा वगैरह मार के साफ़ किया हुआ था। हिज़ राइफ़ल ऑयल्ड, उनकी जो राइफ़ल है, बड़ी बंदूक है, वो ऑयल्ड मतलब तेल लगा हुआ था। हिज़ सूप वॉज बॉइलिंग ओवर द फायर, उनका जो सूप है यानी कि शोरबा है या सूप कह लें, वो आग पर पक रहा था। ही वॉज़ क्लीनली शेव्ड, और उस चरवाहे का हुलिया बता रहे हैं कि वो ख़ुद भी उसका जो है क्लीन शेव था। एंड हिज़ बटन्स वर फर्मली स्वीड ऑन, और उसके जो बटन हैं उसकी कमीज पर मजबूती से सिले हुए थे। हिज नेम वॉज एल्जियर्ड बूफियर, अब उसका नेम बता रहे हैं कि उस शेफर्ड का नाम था एल्जियर्ड बूफियर। बिसाइड बीन अ शेफर्ड के एक चरवाहा होने के साथ साथ ही वॉज़ अ ट्री प्लांटर एज वेल, कि वो जो है ना एक दरख्त उगाने वाला बंदा भी था, यानी कि वो साथ साथ ट्री प्लांटर भी थे, यानी कि दरख्त भी उगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड द शेफर्ड डू विद द हीप ऑफ एकॉर्न्स, के शेफर्ड ने, उस चरवाहे ने जो बलूत का फल था, जो उसके पास बलूत का उसका हीप, उसका ढेर के साथ उसने क्या किया। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे कि लेसन में पढ़ा है कि उसने क्या किया था कि वो सारे एकॉर्न्स उसने एक टेबल पर डाले, और टेबल पर डाल कर ना उसने अच्छे और जो मतलब ख़राब थे, अच्छे फल और ख़राब फल उसने अलग अलग करने शुरू किए, उन्हें साइड पे करता रहा, और जब 100 उसके कंप्लीट हो गए तो वो जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है द शेफर्ड पोर्ड द हीप ऑफ एकॉर्न्स ऑन द टेबल, कि वो जो शाहबलूत का फल है वो उसने टेबल पर पोर्ड यानी कि अंडेल दिए वो सारे। ही इंस्पेक्टेड देम विद ग्रेट केयर, वो उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ उनका जो है इंस्पेक्ट करने लगा, यानी कि मुआयना करने लगा। एंड सेपरेटेड द गुड फ्रॉम द बैड, और अच्छे फल को बुरे जो या ख़राब फल से अलग करने लगा। ही सेट असाइड अ लार्ज पाइल ऑफ गुड एकॉर्न्स, उसने अपने साथ जो है एक अच्छी खासी तादाद में उसने अलग कर लिए। एंड काउंटेड देम, और फिर उसने उन्हें गिनना शुरू किया। आफ्टर सेलेक्टिंग 100 परफेक्ट एकॉर्न्स, तकरीबन 100 बिल्कुल ज़बरदस्त जो शाहबलूत के फल हैं वो उनको चुनने के बाद, ही स्टॉप्ड हिज वर्क, उसने अपना काम जो है वो रोक दिया। एंड वेंट टू बेड, और उसके बाद जो है वो बिस्तर पर सोने चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड द शेफर्ड कैरी इंस्टेड ऑफ अ स्टिक, एंड व्हाट डिड ही डू विद इट, कि जो चरवाहा है उसने अपने हाथ में ना स्टिक या छड़ी की बजाय उसने क्या पकड़ा हुआ था। एंड व्हाट डिड ही डू विद इट, और वो इसके साथ क्या करता था। तो फ्रेंड्स, हमने लेसन में पढ़ा है कि स्टिक की बजाय ना उसके पास एक आयरन रॉड होता था, जो लोहे की जो छड़ी होती है ना, आयरन रॉड, वो था उसके हैंड में। और वो उसने इसलिए उगाया होता था कि उसका जो आगे लोहे का हिस्सा था उससे वो ज़मीन खोदता था, और वहाँ पर वो एक शाहबलूत का जो फल है वो लगा देता था, और दोबारा से उसे रिफ़िल कर देता था। इसलिए उसने अपने हाथ में आयरन रॉड रखा हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है द शेफर्ड कैरीड एन आयरन रॉड इंस्टेड ऑफ अ स्टिक, कि शेफर्ड ने अपने हाथ में छड़ी की बजाय आयरन रॉड जो है वो पकड़ी हुई थी, जिसको हम लोहे की छड़ी कहते हैं। विच ही थ्रस्ट इन टू द अर्थ, जो वो क्या करता कि ज़मीन पर वो मारता, मेकिंग अ होल, उसमें एक सुराख करने के लिए। इन विच ही प्लांटेड एन अकॉर्न, जिसमें वो एक अकॉर्न यानी कि शाहबलूत का जो फल है वो लगा देता। एंड देन ही रिफिल्ड द होल, और उसके बाद वो उस होल को, उस सुराख को रिफिल्ड यानी कि दोबारा से भर देता। थस यूजिंग इट, इस तरह से इस्तेमाल करता था वो इसे, फॉर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जो शाहबलूत के दरख्त हैं वो उगाने के लिए, वो लगाने के लिए वो इस आयरन रॉड को यूज़ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द शेफर्ड प्लांट एकॉर्न्स ट्री, कि कितने अरसे से ये जो चरवाहा है ये शाहबलूत के दरख्त उगा रहा था। एंड हाउ मैनी हैड ग्रोन इन टू फुल ग्रोन ट्रीज, और उसमें से कितने जो हैं वो फुल बड़े दरख्त जो हैं वो बन गए थे शाहबलूत के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा है कि तकरीबन पिछले 3 सालों से ना, 3 ईयर्स से वो जो शेफर्ड है वो ये ऑक्स के ट्रीज जो है वो प्लांट कर रहा था वहाँ पर उस वीराने में, और उसने तकरीबन 1000 दरख्त लगाए थे, जिसमें उसे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो बड़े हो गए होंगे। तो अब इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है
For 3 years, 3 सालों से द शेफर्ड हैड बीन प्लांटिंग ट्रीज इन हिज विल्डरनेस, जो चरवाहा है वो इस वीरान जगह पर दरख्त उगा रहा था। ही हैड प्लांटेड 100,000, उसने तकरीबन 1,000 जो दरख्त हैं वो उगा चुका था। देयर रिमेंड 10,000 ओक ट्रीज टू ग्रो वेयर नथिंग हैड ग्रोन, तकरीबन उसमें से 10,000 जो हैं ओक के ट्रीज वो, तो उसे क्या ख्याल था कि उसने जो 1,00,000 ट्री लगाए हैं उसमें से तकरीबन 10,000 दरख्त अब तक बन गए होंगे, और इसके अलावा उसे लगता था बाकी जो हैं वो ज़ाया हो गए होंगे। और वो 10,000 दरख्त कहाँ पर उगे होंगे? वेयर नथिंग हैड ग्रोन बिफोर, जहाँ पर इससे पहले कुछ भी नहीं उगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड ग्योनो डिस्कवर अबाउट द शेफर्ड्स पास्ट लाइफ, कि ग्योनो ने जो चरवाहे की पिछली ज़िंदगी थी ना उसके बारे में उसे क्या बातें पता चली? तो फ्रेंड्स, हमने लेसन में पढ़ा है कि उसका नाम जो है, उस नाम पता चला कि नाम उसका ये है, एल्जियर ब्रूफेट है, और इसके अलावा कि वो पहले रहता था नीचे जो ज़मीनें हैं वहीं पर रहता था अपनी बीवी और बेटे के साथ। तो उसका इकलौता बेटा जो है वो फोत हो गया, उसके बाद उसकी बीवी भी फोत हो गई, तो वो अकेला हो गया। इसके बाद से वो यहाँ जंगल में वीराने में आ गया है, और उसके कुछ शीप्स हैं, डॉग हैं, वो उनके साथ रहता है, और साथ साथ उसने इसलिए प्लांटिंग का काम शुरू कर दिया है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है? आप लोगों ने लिखना है द शेफर्ड्स नेम वाज एल्जियर्ड बूफियर, उसका नाम एल्जियर्ड बूफियर था चरवाहे का। ही हैड वंस अ फार्म इन द लो लैंड, लो लैंड यानी कि नीचे की तरफ जो ज़मीन थी वहाँ पर उसका अपना घर था, खेत थे। देयर ही लिव्ड विद हिज वाइफ एंड अ सन, वहाँ पर वो अपनी बीवी और एक बेटे के साथ रहता था। ही हैड लॉस्ट हिज ओनली सन, उसका जो वाहिद एक ही बेटा था उसने उसे खो दिया, यानी कि वो फोत हो गया। देन हिज वाइफ डिपार्टेड हिम, फिर उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड सन, अपनी बीवी और बेटे की वफात के बाद ही स्पेंट अ लोनली लाइफ, वो जो है एक तनहा ज़िंदगी उसने गुजारनी शुरू कर दी। ही लिव्ड लेयरली विद हिज लैम्स एंड हिज डॉग, अब वो मज़े से अपने भेड़ों और अपने डॉग के साथ, कुत्ते के साथ रहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डिड ग्योनो डिस्कवर ऑन हिज सेकेंड विजिट टू द एरिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, कि ग्योनो का जो उस ज़मीन पर, उस एरिया में, उस इलाके में सेकेंड विजिट हुआ, दूसरी दफ़ा आना हुआ वर्ल्ड वॉर यानी कि जंगे, दूसरी जंगे अजीम के बाद, तो उसने वहाँ पर क्या उसको मतलब नज़र आया, क्या पाया उसने? तो पहले तो वो ये सोच रहा था फ्रेंड्स के जंग हो चुकी है, हो सकता है चरवाहा जो है वो मर गया हो, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर चरवाहा ज़िंदा था अभी। और इसके अलावा उसने और क्या देखा कि वो जो चरवाहा है उसने अपनी जगह तब्दील कर ली है, जॉब तब्दील कर ली है, यानी कि उसने पहले शीप्स थी उसके पास बहुत ज़्यादा भेड़ें थीं, अब उसने उन भेड़ों से जान छुड़वा ली है। वो क्या करता था अब कि जस्ट प्लांटिंग करता था, और वो ये सारे अपने काम उसने जारी रखे हुए थे। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है कि जब ऑन हिज सेकेंड विजिट, अपने दूसरे विजिट पर द एरिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, ग्योनो एक्सपेक्टेड दैट द शेफर्ड माइट हैव डाइड, कि हो सकता है कि शेफर्ड जो है वो फोत हो गया हो, बट ही वॉज स्टिल अलाइव, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। ही हैड चेंज्ड हिज जॉब, उसने अपने काम की जो नौयत है वो तब्दील कर ली थी। ही हैड गॉट रिड ऑफ द शीप, उसने अपनी भेड़ों से छुटकारा पा लिया था, बिकॉज दे थ्रेटेंड हिज यंग ट्रीज, क्योंकि वो उसके जो जवान नौजवान जो दरख्त थे उनको नुकसान पहुंचाती थी, यानी कि भेड़े खा लेती होंगी ना उसके दरख्त पौधे वगैरह। दी वॉर हैड नॉट डिस्टर्ब्ड हिम, जंग ने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब या परेशान नहीं किया। ही वॉज स्टिल बिजी इन प्लांटेशन, वो अभी भी प्लांटेशन में यानी कि पौधे उगाने में मसरूफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एल्स हैज़ द मैन बीन प्लांटिंग इन एडिशन टू ओक ट्रीज, के शाबलूत के दरख्त के अलावा वो आदमी जो है वो और क्या उगाता था? एंड व्हाट डिड ग्योनो फाइंड देयर, और ग्योनो ने वहाँ क्या चीज़ पाई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है कि हमने जैसे लेसन में पढ़ा है कि ओक की ट्रीज़ के अलावा उसने वहाँ पर बिर्च की जो ट्रीज़ हैं वो भी उगाने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा ग्योनो ने ये फाइंड किया वहाँ पर कि बिर्च के जो क्लम्स हैं यानी कि उसके झुंड हैं वो उसे हर जगह नज़र आ रहे हैं, और उसने ये देखा कि ज़मीन में ना मिट्टी में अब नमी आ चुकी है, ये उसने फाइंड किया। और इसके अलावा वहाँ पर उसने देखा कि हवा बहुत अच्छी चल रही है, गार्डन बन चुका है वो छोटा सा, तो ये सारा कुछ। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है? आप लोगों ने लिखना है इन एडिशन टू ओक ट्रीज, शाबलूत के दरख्त के अलावा द मैन हैज़ बीन प्लांटिंग बिर्च ट्रीज,
वो जो आदमी है चरवाहा, वो बिर्च के दरख्त भी उगाता था। और अब ज्ञानो ने वहाँ क्या फाइंड किया? ज्ञानो फाउंड दैट देयर वर हैंडसम क्लम्प्स ऑफ बिर्च ट्रीज एवरीवेयर। ज्ञानों को पता लगा कि वहाँ पर खूबसूरत से जो बिर्च के दरख्त हैं उनके झुंड हर तरफ उसे नज़र आ रहे थे। देयर वॉज मॉइस्चर ऑलमोस्ट एट द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। कहते हैं कि जो ज़मीन की सतह है वहाँ पर उसे नमी महसूस हो रही थी। द वाइंड स्कैटर्ड सीड, हवा जो है बीजों को फैला रही थी। देयर वर विलो ट्रीज, वहाँ पर विलो के दरख्त भी अब उग चुके थे। मेडोज, चरागाहें बन गई थी। फ्लावर्स, फूल थे वहाँ पर काफ़ी। एंड गार्डन्स और बागात बन चुके थे इंस्टेड ऑफ द अनपैरेलल्ड डेजोलेशन। वो कि बिल्कुल ही जो अनपैरेलल्ड यानी कि सहरा वाली और खुश्क ज़मीन थी, तन्हाई वाली, उन चीज़ों के अलावा अब वहाँ पर हरियाली आ गई थी। आफ्टर ईयर्स बैक, कई जो है सालों के बाद। एंड ऑल दिस वॉज द अमेजिंग रिजल्ट, और ये सब एक शानदार नतीजा था ऑफ चेन रिएक्शन। ये जो चेन का जो अमल होता है, जो सर्कल चलता है, उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज ज्ञानो मीन बाय चेन रिएक्शन? कि ज्ञानो का इस बात से क्या मतलब था कि चेन रिएक्शन, जो एक चेन का जो अमल होता है, ये बात कहने से उसका क्या मतलब था? व्हाट चेन रिएक्शन डज ज्ञानो डिस्क्राइब? कौन से आखिर चेन का जो अमल है वो ज्ञानो ने इस लेसन में डिस्क्राइब किया है? विच ही एट्रीब्यूट्स टू दैट मैन वर्किंग अलोन। और किस चीज़ को वो एट्रीब्यूट्स होता है, खूबी या औसाफ, कि कौन सी खूबी आदमी की वो अकेले काम करते हुए इस लेसन में हमें वो बता रहा है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा है कि चेन क्रिएशन से उसका मतलब ये था कि एक दफ़ा जब आपने दरख्त उगा दिए हैं तो एक सर्कल चलना शुरू हो जाता है कि उस दरख्त में मज़ीद बीज उगेंगे, हवा चलेगी तो उन बीजों को फैलाएगी और वो बीज दूर दूर तक जाकर मज़ीद दरख्त उगाएंगे। मतलब एक दफ़ा अगर आपने सर्कल चला दिया है, उसने चरवाहे ने जैसे दरख्त एक दफ़ा लगा दिए हैं, तो अब मोस्टली ज़्यादा दरख्त ऑलमोस्ट खुद ब खुद भी वहाँ पर उगते रहेंगे। तो इस चेन क्रिएशन की उसने बात की है कि किस तरह से। और दूसरा बात जो हमें इसमें करें है एट्रीब्यूट्स की, कि खूबियाँ और औसाफ, तो वो यही है कि एक अकेले आदमी ने इतना ज़बरदस्त वहाँ पर गार्डन बना दिया, पूरा जंगल बना दिया, और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आईं। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है बाय चेन रिएक्शन। चेन का जो अमल है ज्ञानो मीन्स दैट द कंडीशंस ऑफ द प्लेस दैट ही विजिटेड 10 ईयर्स बैक आर नाउ कम्प्लीटली चेंज्ड। कहता है कि इस चेन रिएक्शन की वजह से जो उसने 10 साल पहले यहाँ विजिट किया था, वो जगह अब उसकी कंडीशन बिल्कुल ही तब्दील हो चुकी है। बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट विच द शेफर्ड हैड ग्रोन देयर, क्योंकि उस जंगल की वजह से, वो जंगल जो है वो चरवाहे ने वहाँ पर उगा दिया था। दैट बैरन एंड ड्राई लैंड, उस बंजर और खुश्क ज़मीन पर जो थी, हैज़ चेंज्ड इंटू अ फर्टाइल लैंड, एंड वो अब बदल चुकी थी फर्टाइल लैंड एक ज़रखेज़ ज़मीन में। एंड वाटर हैज़ नाउ अपियर्ड, और वहाँ पर अब पानी जाहिर हो चुका था। फ्लोइंग इन ब्रुक्स, जो कि अब बह रहा था। ब्रुक्स कहते हैं कुदरती चश्मे या नाले कह लें, उन कुदरती चश्मों में बह रहा था। एंड इन टर्न लीडिंग टू द अपेरेंस ऑफ विलो ट्रीज, और वहाँ पर उसे जो है विलो ट्रीज़ यानी कि बेत के दरख्त भी नज़र आ रहे थे उगते हुए। मेडोज, बहुत सी चरागाहें नज़र आ रही थीं। फ्लावर्स, उसने फूल भी देखे उगते हुए। एंड गार्डन्स, और कई बागात बने हुए थे। एट द प्लेस वेयर देयर वॉज अनपैरेलल्ड, जहाँ पर बिल्कुल ही बंजर ज़मीन थी, डेजोल्यूशन वीरानी थी, 10 ईयर्स बैक, पिछले 10 सालों में। यानी क्या वो यही कह रहा है कि एक इंसान ने उस 10 सालों में उस जगह को क्या से क्या बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डिड ही डिस्कवर अबाउट द एरिया ऑन हिज लास्ट विजिट 1945, आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ हिज फर्स्ट विजिट 1910? कि अब वो सबसे पहले जहाँ पर ज्ञानो आया था उस डेजर्ट में, उस सेरा में 1910 में, तो उसके बाद उस तीसरा विज़िट उसने वहाँ पर किया, और वो उसका लास्ट विज़िट भी था 1945 में। 35 साल के बाद, 35 ईयर्स के बाद जब वो उस जगह पर आया, तो उसने उस जगह को कैसा पाया? तो फ्रेंड्स, क्या था कि वहाँ पर पहले थोड़े से उस जब वो आए थे कि घर वगैरह थे और थोड़े रिहायशी थे, अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, ज़्यादा रिहायशी आ गए थे वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं। इसके अलावा वहाँ पर पहले हवा बहुत सख्त थी, गर्म हवा थी, अब वहाँ पर हवा जो है वो बहुत ठंडी हो गई थी और हर तरफ
चरागाहें नज़र आ रही थी, फूल और गार्डन्स नज़र आ रहे थे, और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो उन्हें वहाँ नज़र आई, पानी। और आपको याद होगा फ्रेंड्स के पानी के लिए ही तो ये उस चरवाहे से इनकी मुलाकात हुई थी। हमने लेसन में पढ़ा है कि इनका पानी ख़त्म हो जाता है और ये पानी की तलाश में आगे जाते हैं तो इन्हें ये चरवाहा मिल जाता है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर पानी की आवाज़ें आ रही थी जैसे चश्मे बह रहे होते हैं, ये चीज़। तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है, आप लोगों ने लिखना है आफ्टर 35 ईयर्स, तकरीबन 35 सालों के बाद ग्यानो डिस्कवर्ड अबाउट द एरिया दैट, ग्यानो ने उस एरिया को ऐसा पाया, वाइल इन 1913, जबकि 1913 में दिस हेमलेट ऑफ 10 और 12 हाउसेज हैड 3 इन्हेबिटेंट्स, के वहाँ पर जो है हेमलेट छोटा से गांव को कहते हैं कि 10 या 12 घर थे और जिसमें सिर्फ 3 रिहायशी रहते थे, लेकिन अब वहाँ पर रिहायशियों की तादाद भी ज़्यादा हो गई थी, हमने लेसन में पढ़ी है। नाउ एवरीथिंग हैड चेंज, कहते हैं अब हर चीज़ जो है वो बदल चुकी थी, इंक्लूडिंग इवन द ईयर, कहते हैं यहाँ तक कि वहाँ की हवा भी बदल चुकी थी, इंस्टेड ऑफ द हार्श ड्राई वाइंड, कि सख्त और गर्म हवा की बजाय दैट यूज़ टू अटैक हिम, जो अक्सर इस पर हमला करती थी, मतलब गर्म हवा, अ जेंटल ब्रीज वाज नाउ ब्लोइंग, एक बहुत ही नरम और ठंडी हवा चल रही थी, लेडन विद सेंट, और वो हवा जो है वो खुशबू से भरी हुई थी उन दरख्तों की वजह से, फूलों की वजह से। मोस्ट अमेजिंग ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा हैरत की बात, ही हर्ड द साउंड ऑफ वाटर फॉलिंग इन टू अ पूल, उसने पानी की गिरने की आवाज़ सुनी एक तालाब में, ही सॉ दैट अ फाउंटेन हैड बीन बिल्ट, उसने देखा कि वहाँ पर एक फुआरा जो है वो तामीर किया गया है, एंड इट फ्लोट फ्रीली, और वो फुआरा जो है वो फ्रीली यानी कि आज़ादाना बह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ ओल्ड वॉज बूफियर वेन ही डाइड इन 1947, कि बूफियर 1947 में जब वो फोत हुआ तो उसकी उम्र क्या थी। तो फ्रेंड्स हमने जैसे लेसन में पढ़ा है क्या 89 एज में जाकर उनकी डेथ हुई है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करना है। एल्जियट बूफियर वाज 89 ईयर्स ओल्ड, के 89 साल का था व्हेन ही डेड, जब उसकी डेथ हुई है, व्हेन ही डेड पीसफुली इन 1947, 1947 में बहुत पुरअमन तरीके से उसकी वफात हुई है, एट दी हॉस्पिक इन बेनन, बेनन का जो मरीज़ खाना है उसके अंदर बहुत पुरसकून तरीके से वो तकरीबन 89 साल के होकर फोत हुए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, हमारे लेसन मैन हु प्लांटेड ट्रीज़ के, यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो कम्प्लीट होता है।